भी आवाज उठाते हैं जिनके ऊपर को तकलीफ होती है, जिस तरह आज इन जो प्लेयरों ने जो रेसलिंग जो जो सवाल उठाया है, जो आरोप लगाया है, आपने पहले कभी इस तरह से सुना है? देखिए मैंने सुना नहीं, जो गीता की मम्मी है जो कल से चल रही है तो इसके बारे में डिस्कस हुई थी। जो गीता बबीता थी जो पहले कंपन रहा करती थी तो उनका कैसी हरकतें कुछ आई थी, उनकी मम्मी आगे उन्होंने चर्चा की है। लेकिन जो मैं नहीं, जो आज जो आवाज़ उठाई इनके, मैं इनको सौभाग्यशाली मानता हूँ जो इनमें जुटा के आज ये दोनों आवाज उठा। चेंज हो जाना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह, इनकी मांग बिल्कुल। देखिए जो ब्रजभूषण है सिर्फ एक बाहुबली है, अपनी तना सही चलाता है। सर वो कह रहे हैं मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ आरोप। देखिए ये मैं तो क्या कहूँ, जिन बच्चों ने आरोप लगाए हैं आप जो निष्पक्ष जांच करिए, या आप जो कुश्ती से जुड़ रहे हैं जो लड़कियां जो पहले जो कुश्ती छोड़ गई हैं या कोचिज हैं उनसे पूछें कैसा व्यवहार है, जो ये आरोप लगा ठीक है या गलत है, या आप बगैर मीडिया के आप वैसे पूछिए बैठ करके तो आपको सब मालूम हो जाएगा भी हकीकत है या झूठ है। सर योगेश्वर के अलावा जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इसको ज्वाइन किए हुए, आपको लगता है कि और भी पहलवान आएंगे यहाँ पे जितने भी हैं, या पहलवान बाहुबली जैसा आप बता रहे हैं उनसे डर जाएंगे? देखिए आज कोई भी हो अगर ये तो हिम्मत मानता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं की पहलवान की, क्यों उसकी जिंदगी का सवाल होता है। अगर जो ओलंपिक गेम होने हैं, एशियन गेम होने हैं, तो ये जो उसके धमकी दे करके मैं कुश्ती लड़ने नहीं दूंगा, फेडरेशन से बाहर कर दूंगा, कैंप में नहीं हो, तो हर एक बच्चा डरता है, बहुत कम बच्चे हैं जो शामिल आ सकते हैं, लेकिन आप पीछे से उनसे बात करोगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। ये जी बिल्कुल है। आज देखिए जो इंडिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, ओलंपिक गेम है, उनमें सिर्फ हरियाणा के ही बच्चे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं। आज तक हरियाणा में कोई नेशनल गेम नहीं करवाया। आज नेशनल कुश्ती होती है तो वहाँ गोंडा में करवाता, जो आपकी जो हमारा स्कूल है उसमें करवाता है, जबकि हरियाणा में जो अगर इसका बड़ा अगर कुश्ती को बढ़ावा देना है तो कम से कम साल दो तीन साल में एक बार हरियाणा में जो नेशनल गेम नेशनल कुश्ती तो नेशनल गेम होना चाहिए, ताकि बच्चों के माँ बाप का हौसला बढ़े और जो देखे उनका भी हौसला बढ़े। तो ये बिल्कुल हरियाणा की कुश्ती को ख़त्म करने की मानसिकता है। अगर देखो सरकार इसके में क्या डिसीजन लेती है वो सरकार की। से कितनी उम्मीदें हैं सर अभी आपको? देखिए जो आज हरेक जो लड़की का माँ बाप है सपोर्ट से जुड़ा हुआ है या न जुड़ा हो, लेकिन जिन बच्चियों के साथ ऐसे अत्याचार होता हो, जुल्म होता हो, तो कोई भी माँ बाप सह नहीं कर सकता। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है फोगाट खाब ने समर्थन किया है। मैं जो जो सच्चाई है ना वो सारे पहलवानों को आगे आना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, सच्चाई बतानी चाहिए। आज मौका है जो इस जो अगर हिम्मत करके जो अपनी बात रखी तो सरकार से संबंध ठीक है तो आप भी बात करो। देखिए बिल्कुल सरकार से पूरा भरोसा है। सरकार जो नरेंद्र मोदी जी ने जो मान सम्मान जो प्लेयरों को जो मेडल लेके आए थे आज तक किसी प्रधानमंत्री ने दिया, हम उनके जो धन्यवादी हैं और हमें पूरी आस उम्मीद है हमारे बच्चों को वही जो है सरकार इसको न्याय दिलाएगी।